हेलो दोस्तों, आप सारे लोगों को हमारे चैनल में स्वागत। फिर से एक बार हम लोग फिर से एक बार आए हैं वही काली पूजा देखने के लिए, व्यास नगर जाजपुर रोड। हम लोग तो अभी घूम के मज़ा लेने वाले हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग भी वीडियो माध्यम से मज़ा ले सकते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसमें सब मेन मेन पॉइंट है। इसमें आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये श्री कृष्ण जी का मूर्ति है। ये टाइगर, हकीकत टाइगर जैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है टाइगर। ये काली माता आरती का टाइम है, आरती हो रहा है। इस जगह का जो काली देवी काफ़ी डरावना लग रही है। इस जगह का काली देवी लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत साजा सजा हुआ है। डरावना काली की वजह से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी लगता है। सबको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का काली देवी। ये जो पेंडू घूम रहा है ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मोबाइल माध्यम से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये नर्तकी का मूर्ति काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग अगर सामने से नहीं देखोगे तो यकीन नहीं करोगे, इतना जाजपुर का काली इस साल काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। हर मूर्ति इसमें पुराण कथा जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ भगवान मानी को मुद्रिका प्रदान कर रहे हैं। ये भी काफ़ी भयानक हुआ है, छोटे बच्चे तो इसको देख के डर जाते हैं। रात को अगर आप लोग देखने के लिए काली आते हैं तो इस जगह को जरूर आइएगा, काफ़ी डरा बना है। बच्चे लोग तो देख के डर जाते हैं, आप लोग को भी डर जाओगे। ये राक्षसी मुंह से हनुमान निकल रहे हैं। ये गेट भी काफी खूबसूरत लग रहा है। ये काली देवी स्टेट बैंक बाजू में है। ये राम लखन मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है, जंगल में जिस टाइम थे वनवास में। ये भी काफी डरावना है, कौन है कौन है बोलता है। देखिए किस तरह भयानक भूत बनाया गया है। रात को तो यहाँ कोई भी आएगा तो जरूर आवाज़ सुन के डर जाएगा, नहीं तो उसको देख के गिर पड़ेगा। काफ़ी डरा बना है, बच्चे लोग तो पास में ही नहीं जाते हैं इसके। ये टाइगर किस तरह आवाज़ कर रहा है, फिर भी बच्चे लोग उसको पकड़ के फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं।
ये शिव जी की मूर्ति है, पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। यहाँ का काली देवी जो है काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी डरावना है। आप लोग आओगे तो अंदर आपको भी डर लगेगा। रात को ये जो लाइट सेटिंग हुआ है काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही, इस जगह में बहुत भीड़ लग रहा है। ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, ये समुद्र मंथन का समय जो दृश्य 20 अमृत निकला था उसी समय शिव जी विस्मरण कर रहे हैं। ये आजकल लड़कों लड़की का जो लव स्टोरी इस जमाने में जो चल रहा है, आधुनिक युग में इसी प्रकार लव स्टोरी आजकल चल रहा है। वाओ, ये मंदिर का मंडप भी कितना खूबसूरत सजाया गया है। यहाँ पे भी लोगों का बहुत भीड़ लगा हुआ है। ये जो रथ देख रहे हैं आप लोग, ये अर्जुन का रथ है, श्री कृष्ण जी चला रहे हैं, महाभारत का समय का था। ये जो दृश्य, ये सुदामा कृष्ण जी का चावल भुजिया दो खाए थे। अरे इस जगह में तो काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है। यहाँ पे झूमर भी लगा हुआ है चारों तरफ, देखिए जैसे छोटा छोटा रूम के तरफ लाइट, बढ़िया रंगीन का लाइट चल रहा है। राजमहल जैसा बनाया गया है यहाँ पे काली मंडप। देखिए प्रियांशी हाथी को पकड़ के खड़ा हो गया। प्रियांशी बोल रही है हाथी को लेके जाएगा साथ में। ये मंडप भी काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है और यहाँ पे डेली प्रोग्राम, मेलोडी प्रोग्राम शुरू होता है यहाँ पे। दोस्तों मेला घूम के बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर को, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को।